संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि आज, संसद परिसर में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दी श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने भी संसद परिसर में अंबेडकर की प्रतिमा पर अर्पित किए पुष्प, दी श्रद्धांजलि। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी पुष्पांजलि देकर भीमराव अंबेडकर को किया नमन। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी अंबेडकर की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी। बीजेपी पर किया वार, केंद्र और राज्य में बताई जातिवादी मानसिकता वाली सरकार, कहा सड़कों पर आंदोलन से नहीं सत्ता परिवर्तन से होगा व्यवस्था में बदलाव। सड़कों पे उतरने से काम नहीं चलेगा, सत्ता परिवर्तन करने से काम चलेगा। नागालैंड में सुरक्षा बलों की फायरिंग में मारे गए लोगों के परिवार को 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान। आज प्रभावित क्षेत्र का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। सुरक्षा बलों की फायरिंग में 14 लोगों की मौत पर भड़की थी हिंसा, गांव वालों ने फूंकी गाड़ियां, एक जवान भी शहीद। असम राइफल्स का बयान, विद्रोहियों के संभावित मूवमेंट की खुफिया जानकारी पर चलाया जा रहा था अभियान, गलतफहमी में गई मजदूरों की जान, एसआईटी करेगी मामले की जांच। ममता बनर्जी ने की नागालैंड हिंसा की निंदा, व्यापक जांच की मांग, आज प्रभावित परिवारों से मिलेंगे टीएमसी नेता। रूसी राष्ट्रपति का आज भारत दौरा, AK-203 राइफल सौदे पर लगेगी मुहर, भारत को मिसाइल रक्षा प्रणाली S-400 को बतौर उपहार भी देंगे पुतिन। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी को लेकर यूपी में सिक्योरिटी टाइट, अयोध्या काशी और मथुरा में अतिरिक्त पुलिस बल के साथ पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। मथुरा में ईदगाह मस्जिद की जगह अब दिल्ली में होगा लड्डू गोपाल का सांकेतिक जलाभिषेक, हिंदू संगठनों के ऐलान के बाद धारा 144 लागू। मथुरा में धारा 144 के बीच बीजेपी नेता ने किया युवा सम्मान समारोह का आयोजन, क्रिकेट किट लेने के लिए उमड़ी भीड़ बेकाबू। सीएम को ज्ञापन देने को लेकर पुलिस और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, सपा विधायक ने डिप्टी एसपी के सर में टकराया अपना सर, जमकर हुआ हंगामा। बुलंदशहर में राष्ट्रीय लोकदल नेता हाजी यूनुस के काफिले पर ताबड़तोड़ फायरिंग, 5 लोग घायल, हाजी यूनुस के हाथ में लगी गोली। अखिलेश यादव ने तस्वीरें ट्वीट कर योगी सरकार पर साधा निशाना, कहा यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था की जड़ है बीजेपी। तेलंगाना के करीमनगर में कोरोना का कहर, चलमिंडा मेडिकल कॉलेज के 48 छात्र कोरोना पॉजिटिव। लखीमपुर में गन्ना किसानों के बकाया का भुगतान न करने पर चीनी मिल अफसरों पर FIR दर्ज, कई दिनों से चल रहा था प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के श्योपुर में कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल का गायक अवतार, शादी समारोह में गाया गाना, गाकर बनाया माहौल। पश्चिम बंगाल की हुगली में तूफान के दौरान बड़ी लापरवाही, रूपनारायण नदी में फेरी सेवा पर नहीं लगी रोक, मामले में जांच के आदेश। 5 राज्यों तक पहुंचा कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट, महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मरीजों की पुष्टि से हड़कंप, मरीजों में नाइजीरिया से लौटी एक महिला शामिल, 5 लोगों को किया संक्रमित। पिंपरी चिंचवड़ में 6 और पुणे में 1 शख्स में वायरस की पुष्टि, देशभर में अब तक 21 संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे का बयान, ओमिक्रॉन पीड़ितों में नहीं है गंभीर लक्षण, सभी संक्रमितों को लग चुकी है वैक्सीन की दोनों डोज। जे लोग आज बाधित झालेले ते सर्वच्या सर्व डबल वैक्सीनेटेड आहेत। जयपुर में 9 मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि, दक्षिण अफ्रीका से आया था परिवार, संपर्क में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। दिल्ली में सामने आया ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस, LNJP अस्पताल में तंजानिया से लौटे शख्स में संक्रमण। ओमिक्रॉन का पहला मामला दिल्ली में आया है, क्या सर किस तरह से आगे आ रहा है, तैयारी है सरकार? सिंगापुर से मदुरई पहुंचा शख्स कोरोना पॉजिटिव, ओमिक्रॉन वेरिएंट की हो रही है जांच। असम में एक दिन में कोरोना के 101 नए संक्रमितों की पुष्टि, 24 घंटे में 4 मरीजों ने गवाई जान। देश में 24 घंटे में 8,895 नए कोरोना केस, कुल एक्टिव मामले 99,155। दिग्विजय सिंह के खानदानी गद्दार वाले बयान पर भड़के ज्योतिरादित्य सिंधिया, कहा धारा 370 हटाने की बात करने वाले बात कर रहे हैं गद्दारी की। यूपी के मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, कहा आतंकवादियों की हिमायती है समाजवादी पार्टी, गांधी से की जिन्ना की तुलना, साधुओं को बता रहे हैं चिलमची। कल 7 दिसंबर को मेरठ में RLD और समाजवादी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन, संयुक्त रैली में होगा सीटों के बंटवारे का ऐलान। सांसद भगवंत मान का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा आप छोड़ने के लिए दिया केंद्र में कैबिनेट मंत्री पद का ऑफर, केंद्र के बड़े नेता का आया फोन। बीजेपी आ जाओ कैबिनेट मंत्री बना दें। प्रयागराज में राहुल गांधी पहुंचे स्वराज भवन, चुनिंदा नेताओं से की मुलाकात, एक शादी समारोह में लिया हिस्सा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे अपने गृहनगर खटीमा, स्वयं सहायता समूह को करोड़ों रुपए का ऋण किया वितरित। दिल्ली में लोकसभा सांसद ओम बिरला पब्लिक अकाउंट कमेटी के कार्यक्रम में शामिल, 100 वर्ष पूरे होने पर मनाया जा रहा है समारोह।
पलवल में जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला की बैठक, इनेलो और जेजेपी के एक होने का दिया संकेत। राजस्थान के मंत्री महेश जोशी ने भीलवाड़ा में दिया गुरु मंत्र, कहा लोगों की लालसा का अंत नहीं मगर सब्र का फल मीठा होता है। शिमला के नारकंडा में सीजन की पहली बर्फबारी, गाड़ियों पर जमी बर्फ की परत, पर्यटकों के चेहरे खिले। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बर्फबारी के बाद बंद हुआ मुगल रोड, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में यातायात बंद। पुंछ में भी भारी बर्फबारी की वजह से मुगल रोड पर छाया सन्नाटा, चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर। दिल्ली एनसीआर में बारिश की बूंदों ने बढ़ाया ठंड का एहसास, देर रात कई इलाकों में बारिश। पश्चिम बंगाल के वेस्ट मिदनापुर में चक्रवाती तूफान जवाद का असर, भारी बारिश से फसल बर्बाद। बंगाल की खाड़ी में उठे समुद्री तूफान जवाद से बंगाल और ओडिशा में बारिश, कोलकाता में हुई बरसात। पश्चिम बंगाल के दीघा में तूफान जवाद का असर, तेज हवाओं और बारिश का अलर्ट। ओडिशा के पुरी में तूफान जवाद की वजह से घंटों तक बारिश, एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात। केरल के सबरीमला मंदिर में बारिश के बावजूद भक्तों की भीड़, भगवान अयप्पा के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालु। बेंगलुरु में ईसाई समुदाय की प्रार्थना सभा, कर्नाटक में धर्मांतरण के खिलाफ प्रस्तावित बिल का विरोध। मुंबई में एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस को हिरासत में लेने के बाद छोड़ा गया, जांच एजेंसी ईडी के निर्देश पर मुंबई में एक्शन। 200 करोड़ की उगाही मामले में जैकलीन फर्नांडिस पर कार्रवाई, विदेश जाने के लिए पहुंची थी एयरपोर्ट। जैकलीन केस की जांच कर रहा है प्रवर्तन निदेशालय, जारी हुआ था लुकआउट सर्कुलर, देश के बाहर जाने की अनुमति नहीं। सूत्रों के मुताबिक जैकलीन से दिल्ली में जल्द हो सकती है पूछताछ, पहले भी दो बार दर्ज हो चुका है बयान। 200 करोड़ की उगाही केस में सुकेश चंद्रशेखर का भी नाम, जैकलीन को करोड़ों के तोहफे देने के मामले की भी जांच। बिहार के समस्तीपुर में देसी शराब के ठेकों पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, लाठी और तेज धारदार हथियार लेकर आए ग्रामीण। हमले के दौरान जवान की गोली से घायल हुआ 28 साल का युवक, गांव वालों ने चार पुलिस वालों को बनाया बंधक। बाराबंकी में बच्चों के झगड़े के बाद दो पक्षों में खूनी जंग, जमकर चले लाठी डंडे, तीन लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में एक स्कूल संचालक पर 17 छात्राओं और से छेड़छाड़ और अश्लीलता का आरोप, प्रैक्टिकल के नाम पर खिलाया नशीला पदार्थ। 5 दिनों से मामले को दबाने में जुटी थी पुलिस, एसएसपी ने शिकायत के बाद लिया संज्ञान, इंस्पेक्टर लाइन हाजिर। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद पुलिस ने मिलकर चलाया ऑपरेशन प्रहार, 26 जगहों पर छापे, 5 वांटेड अपराधी गिरफ्तार। अंबेडकर नगर में दो युवकों ने बुजुर्ग को लाठी डंडों से बुरी तरह पीटा, सड़क पर ठीक से बाइक चलाने की नसीहत पर भड़का गुस्सा। दरभंगा में तेल से भरे ट्रक को लूटने वाले गिरोह पर शिकंजा, दो बदमाश गिरफ्तार, तेल और ट्रक बरामद। अमरावती में बलात्कार के बाद महिला की हत्या से सनसनी, साड़ी से गला घोटा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में 4 अंतर्राज्यीय ड्रग तस्कर गिरफ्तार, नशीली दवाओं की खेप बरामद। जोधपुर में बनवारी लाल नाम का ठग गिरफ्तार, फर्जी आईबी अधिकारी बनकर शादी के नाम पर महिलाओं के साथ धोखाधड़ी का आरोप। उधम सिंह नगर में एक अस्पताल के पास कैंटीन में गैस सिलेंडर में धमाका, आधा दर्जन दुकानें खाक। गुजरात के राजकोट में दर्दनाक हादसा, पुल से टकराई रोडवेज की बस, चालक सहित 5 घायल। मनाली में अटल टनल में हादसा, ओवरटेक के चक्कर में दीवार से टकराई बेकाबू कार, 4 पर्यटक घायल, पुलिस ने काटा 13,500 रुपए का चालान। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में सड़क हादसे के बाद जलकर खाक हुई कार, 6 लोगों की मौत। कानपुर में 60 लाख की चरस के साथ 2 लोग गिरफ्तार, नेपाल से लाकर करते थे तस्करी। औरैया में युवक ने मौसेरी बहन को मारी गोली, शादी करने से मना करने पर वारदात, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बांदा में शराब के नशे में युवकों ने पुलिस वाले को पीटा, घायल सिपाही ट्रॉमा सेंटर में भर्ती, युवकों की तलाश जारी। मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर के बाद 3 बाइक चोर गिरफ्तार, 10 मोटरसाइकिल और हथियार बरामद। बिहार के वैशाली में जहरीली शराब का कहर, 3 लोगों की मौत, जांच में जुटी पुलिस। औरंगाबाद में अवैध रूप से गुटखा ले जा रहे ट्रक को पुलिस ने पकड़ा, करोड़ों का गुटखा जब्त। महाराष्ट्र के अहमदनगर में तेंदुए के हमले में 3 लोग घायल, वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ा। पंजाब के फरीदकोट में विजिलेंस टीम की बड़ी कार्रवाई, गैरकानूनी तरीके से लाइसेंस बनाने वालों को किया गिरफ्तार। राजस्थान के धौलपुर में पति पत्नी पर जानलेवा हमला, केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के शामली में शॉर्ट सर्किट के चलते गैराज में लगी आग, बीएमडब्ल्यू समेत 8 गाड़ियां जली। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में मक्के से भरे ट्रक ने महिला को कुचला, गुस्साई भीड़ ने ट्रक में लगाई आग, लाखों का माल खाक। महाराष्ट्र में एसटी कर्मचारियों की हड़ताल खत्म, बारामती में 28 दिन बाद सड़क पर दौड़ी लाल परी।
बिहार के कटिहार में हिंदू रीति रिवाज से हुआ सांड का अंतिम संस्कार, गाजेबाजे के साथ निकाली गई शव यात्रा। गोरखपुर में शादी के मंडप में दूल्हे के सामने प्रेमी ने भरी दुल्हन की मांग, देखते रह गए लोग, वीडियो वायरल। अर्जेंटीना ने अपने नाम किया जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब, फाइनल में 6 बार की चैंपियन जर्मनी को 4-2 से हराया। बेगूसराय की फल मंडी में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का नुकसान। यूपी के बस्ती में गन्ने के खेत में मिली खून से लथपथ बेहोश लड़की, लोगों ने अस्पताल में भर्ती कराया, अभी तक नहीं हो सकी शिनाख्त। सीकर में आज भुगोली गांव लाया जाएगा शहीद भगवान राम नेहरा का पार्थिव शरीर, बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ में हुए थे शहीद। यूपी के देवरिया में नकली खाद बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़, 45 लाख की नकली खाद बरामद, 16 गिरफ्तार। हुगली में चोरों ने बहुमंजिला इमारत के 4 फ्लैट में चोरी को दिया अंजाम, चोरी के वक्त एक तरफ जहां चोरों ने 4 फ्लैट के ताले तोड़े, वहीं पड़ोसियों के फ्लैट को बाहर से कर दिया लॉक।